जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट करी पृथ्वी 2 मिसाइल। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक विरोध। रक्षा मंत्री ने करी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा। इस महीने के अंत में PSLV से लॉन्च की जाएगी सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स। और लेटेस्ट पिक्चर्स में नजर आए ब्लैक हॉर्नेट PRS UAVs इंडियन आर्मी की सर्विस में। कल 15 जून को 1930 आर्स पर ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत की स्वदेशी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और पृथ्वी 2 मिसाइल के जो ये परीक्षण है वो इसके ट्रेनिंग लॉन्च के हिस्से के तौर पर था। और इस दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पृथ्वी 2 एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 250 से 350 किलोमीटर तक है। और इस मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में 2003 में इंडक्ट कर दिया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई ये पहली मिसाइल भी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेज ने हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर रिजर्वायर में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। और इस दौरान वाटर पैराशूट जंप्स के माध्यम से दोनों सर्विसेज के स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव्स ने एरियल इंसर्शन और डिप्लॉयमेंट को वैलिडेट किया है। और ये 2 दिवसीय ज्वाइंट एक्सरसाइज है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में काफी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला है तो उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। और भारत सरकार का ये कहना है कि स्कीम को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि इससे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, तो भारत सरकार ऑफिशियल्स का कहना है कि इस स्कीम के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए भारत के युवाओं के लिए जो अवसर हैं वो कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। और जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि इस स्कीम को लेकर भारत के कई सारे मिलिट्री वेटरन्स की तरफ से भी इसे क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि इस स्कीम में ऐसी कई सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं डिफेंस एस्पिरेंट्स के मन में एक इनसिक्योरिटी को पैदा करती है। जैसे कि 4 साल के सर्विस के बाद जो 75% अग्निवीर सर्विस से रिटायर हो जाएंगे, यानी कि जिन्हें परमानेंट कैडर में जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर उनका फ्यूचर किस तरीके से रहेगा। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस में सोल्जर्स के बीच जो एक बॉन्डिंग बनती है कई सालों की ट्रेनिंग के बाद, कई साल साथ रहने के बाद, तो इन 4 सालों के टाइम पीरियड में क्या उस लेवल की बॉन्डिंग बन पाएगी। और इन सबके अलावा एक और जो बड़ा सवाल है कि जो एस्पिरेंट्स काफी समय से तैयारी कर रहे थे इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की, लेकिन फिर चाइनीज वायरस की वजह से जो रिक्रूटमेंट रोकनी पड़ी, और अब जो ये कहा जा रहा है कि पहले वाली रिक्रूटमेंट जिसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, अब कैंडिडेट्स को फिर से शुरू करना पड़ेगा इस नई वाली स्कीम के तहत। हालांकि जिनकी एज 17.5 से 21 साल के लिए है तो एक बार के लिए वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एज लिमिट 21 से ऊपर हो चुकी है तो उनके लिए इस स्कीम एज लिमिट में किसी तरह की कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसी तरह की और भी कई सारी चिंताएं हैं इस नई स्कीम को लेकर, जिसकी वजह से देश भर में इसके खिलाफ अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और बाकी अग्निपथ स्कीम कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी, कितनी फ्यूचरिस्टिक साबित होगी, ये तो खैर आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन इस पर हमारा बस यही ओपिनियन है कि अगर इसको एकदम से इम्प्लीमेंट ना करने के बजाय एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जाता तो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती थी। और हमारा भारत सरकार को बस यही अनुरोध है कि उनकी तरफ से जितना प्रयास इस स्कीम की अच्छाइयों को बताने में किया जा रहा है, तो अगर उतना ही प्रयास उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स की उन इनसिक्योरिटीज, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया जाए जो इस स्कीम की वजह से बनी है, तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एरियाज को विजिट किया गया है। और उन्होंने अपने इस विजिट के दौरान बॉर्डर्स के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा की है। और इस विजिट के दौरान रक्षा मंत्री ने आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल के साथ भी मुलाकात की है। और ट्रूप्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमारे पड़ोसी ने हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों का सहारा लिया है और राज्य में पहले भी आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अथक प्रयासों के कारण ही हाल ही में राज्य में आतंकी गतिविधियों की संख्या में काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। आगे जो पाकिस्तान है वो लगातार शांति को भंग करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इस देश के लिए एक ऐसे सुरक्षा कवच है कि जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वो खुद ही लहूलुहान हो जाता है। बाकी देश को हमारी फोर्सेस पर पूरा विश्वास है कि वे किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बाकी जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि कुलगांव में हुए एनकाउंटर के दौरान अभी तक 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसी तरीके से अनंतनाग में भी एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एनकाउंटर में भी 1 सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है और ये वाला ऑपरेशन भी अभी जारी है। और इतना ही नहीं बल्कि आज पुलवामा से 15 किलोग्राम तक के IED को रिकवर किया गया है जिसे आतंकियों द्वारा प्लांट किया गया था और इस क्राइम में शामिल 2 आतंकी एसोसिएट्स भी गिरफ्तार किए गए हैं।
और उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। न्यू स्पेस इंडिया के सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि इस महीने के अंत में PSLV C53 से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक मेन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी शामिल है। और इस लॉन्च की जो औपचारिक घोषणा है वो अब किसी भी समय की जा सकती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक NSIL इस साल फॉरेन सैटेलाइट्स के साथ 2 मिशन को अंजाम देगी और जिसमें से पहला इसी महीने किया जाना है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जो देश भर में हिंसक विरोध देखने को मिला है, तो इस पर अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रिटायर्ड, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि डिफेंस फोर्सेस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए इस प्रकार की हिंसा और विरोध के लिए कोई भी जगह नहीं है और ये सब स्कीम की समझ की कमी के कारण हो रहा है। और फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये भी कहना है कि ऐसा बहुत कुछ समझ की कमी के साथ साथ मीडिया में व्यक्त किए गए कुछ विचारों के कारण हो रहा है, जहां उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की कमी के रूप में समझने के लिए गुमराह किया जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर विजिट के दौरान आज रक्षा मंत्री द्वारा 15 कोर हेडक्वार्टर्स को भी विजिट किया गया था और जहां रक्षा मंत्री ने इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट भी किया है। तो रक्षा मंत्री के इस विजिट को लेकर ANI की तरफ से अभी कुछ तस्वीरें जारी की गई थी, तो उनमें से एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिससे मालूम पड़ता है कि इंडियन आर्मी द्वारा ब्लैक हॉर्नेट PRS जो कि एक माइक्रो UAV है, तो उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये UAV इतने छोटे साइज का है कि आसानी से आपके पॉकेट में आ सकता है और इस UAV में लाइव वीडियो के साथ HD में स्टिल इमेजेस ट्रांसमिट करने की भी कैपेबिलिटी है। ये बेहद ही लाइट UAV है जिसका फ्लाइट टाइम करीब 25 मिनट का होता है और ये उड़ते समय आवाज भी नहीं करता है। और जबकि इन छोटे UAVs का इस्तेमाल भारत की एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG फोर्स भी करती है। वैसे हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो पहले बनाई है, आप चाहें तो उसके माध्यम से इस UAV के बारे में और भी खासियतें जान सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में राइफलमैन विकास गुरुंग ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर की नौशेरा सेक्टर में नायक बख्तबर सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस हवलदार प्रेम बहादुर रेशमी मगर ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में लांस नायक रणवीर सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का सवाल, शमशेर इंडियन एयरफोर्स के किस फाइटर जेट का नेम है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।